हेलो वेलकम गाइस, तो न्यू ब्लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस हम अपने गांव गए हुए थे और गांव से अपने वापस आ गए। वहां गाइस जाने के बाद थोड़ा पानी चेंज हो गया, तो थोड़ा हमारे गले में प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब हो गई है। गाइस हम अपने फार्म पे आ चुके हैं क्योंकि हमारे फार्म में बच्चा भी है, इसलिए गाइस ज़्यादा देर तक हम वहाँ पे रुके नहीं, दिन भर में वापस आ गए। गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे चार कुत्ते बैठे हुए हैं, बिंदिया है, रोकी है, गुंडा है, छोटा है। तो गाइस चलिए देखते हैं हमारे बाग में और कौन से कुत्ते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी पूंछ आ रही है, गाइस इसको कोई मार दिया है। पूंछ क्या हुआ, पंचू क्या हुआ हो, पूंछ क्या हुआ हो, देखे तो आई भाई को कहा हो गया भाई। तो गाइस आप इसको देख रहे हैं कि पैर में क्या हो गया, रुक गया, देखने दो। अरे भाई देखने दो तब ना पता चलेगा हो, देखने दो। अरे भाई देखने दे हो, ये चले छावा पकड़ती है रे। तो गाइस इसका हम सोच रहे हैं कि पैर देखने की क्या हुआ है, देख रहे हैं कि मुंह लगा रही है, देख रहे हैं गाइस। तो गाइस का हुआ ना अच्छा काम ना हो, अच्छा काम ना करो, देखे ना, देखे का हुआ है, देखे तो। तो गाइस हमें लग रहा था कि इसमें कांटा घुसा है, लेकिन गाइस हमें कांटा दिखाई नहीं दे रहा है, हमको लगता है कोई गाइस मार दिया है। तो चलिए गाइस ठीक है, कुत्तों का घाव जो होता है गाइस बहुत जल्दी सही हो जाता है, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कोई भी मार दिया होगा। तो हमारी यहाँ पे पूंछ आ गई और गाइस और कुत्ते यहाँ पे हैं। तो गाइस हमारे फार्म में प्रॉब्लम आई थी, एक बीमारी आ गई थी गाइस, एक नहीं तीन चार बीमारी थी, और गाइस ये बीमारी सही नहीं हो रही है, एक फिर से बीमारी आ गई। तो गाइस आपको हम थोड़ा बाहर से दिखा देना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी मर्टेलिटी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टब के चारों तरफ गाइस ये सब पूरे बच्चे गाइस मर गए हैं। ये गाइस सिर्फ बीमारी में बच्चे मर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारे फार्म का कुछ है सीन रहा। तो गाइस चलिए देखते हैं कि बाग में, गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ से पानी गिर रहा है, छत पे स्प्रिंकलर चालू है कि गाइस हमारा छत फार्म पूरी तरह से ठंडा रहे। गाइस हम पूरी व्यवस्था करते हैं फार्म में कि किसी प्रकार की गाइस बीमारी आए ना, लेकिन गाइस ऐसा क्या 19-20 हो जाता है कि कुछ न कुछ गाइस लेकिन हो जाता है। तो गाइस चलिए हम अब बाग में आ गए हैं, तो देखते हैं बाग में हमारे और कौन से कुत्ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा नायडू है और कलुआ डोल है। तो गाइस ये रहा नायडू, क्या नायडू रे पेट भरा है भाई, अरे भाई। तो गाइस ये रहा नायडू और यहाँ पे है छोटा भाई, छोटा नहीं सॉरी गाइस, ये हमारा कलुआ डोन है, का कर लिया। तो गाइस इसका जो शरीर है गाइस गजब चिकना है, ये अपने कान को एनी टाइम खड़ा करके रखती है, और गाइस ये देसी और जर्मन शेपर्ड का गाइस मिक्स ब्रीड है। तो गाइस इसका बाप जो था वो जर्मन शेपर्ड था, और इसकी माँ जो थी गाइस देसी थी। तो गाइस यही रीजन है, और हम गाइस गए हुए थे तो एक हमारा अपना गाड़ी बनवाने के लिए गए हुए थे। गाइस हमारा वो दोस्त बहुत अच्छा है, उसके पास तीन चार ऐसे ही बच्चे थे, और गाइस सब के सब वो हमको बोला कि भाई ये क्या है कि देसी जर्मन के सब मिक्स ब्रीड हो गए हैं। तो हम बोले कि नहीं तब हमको भी एक दे दो क्योंकि अच्छा है, और गाइस ये बहुत तेज है, मेरे पास जब से आई है, और कुत्ते मान लीजिए कि इधर उधर रहते हैं, लेकिन गाइस ये जो कल्लू है एनी टाइम गाइस भौंकती रहती है, और अगर कोई कुत्ता गाइस कहीं से भी दिखता है तुरंत भौंकने लगती है अपने टीम का कुत्ता छोड़ के, क्योंकि गाइस अपने टीम में जितने कुत्ते हैं सबसे दोस्ती कर लिए हैं, क्योंकि हमारे पास एक दिन दो दिन बाद कोई भी, हमेशा आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास कुत्ते आते जाते रहते हैं। तो गाइस क्या है कि वहाँ से बालू जो था, तो बालू से कुत्ते अपना जगह चेंज कर लिए हैं, और गाइस यहाँ पे आके कुत्ते बैठते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी हमको एक भी कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखिए आपको थोड़ा जगह हमें सीन दिखाना चाहते हैं। गाइस आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छाया है, और यहाँ पे अपना जगह इस प्रकार से बना लिए हैं। तो गाइस यहीं पे सब सोते हैं,
और गाइस यहाँ पे बहुत मस्त ठंडा रहता है। इसी में आके गाइस पूरी तरह से घुस जाते हैं, पूरा सफ़ेद हो जाते हैं। और गाइस जब फार्म पे जाते हैं इसके बाद हम समर सीजन चालू करके इनको नहला देते हैं। गाइस नहलाने के बाद फिर से आके इसी में लौटते हैं, अपना इसी में अपना पूरा दिन टाइम पास कर लेते हैं। गाइस जब 4-5 बजता है इसके बाद जब हम लोग गाइस ग्राउंड में बैठते हैं, ये आप गाइस देख रहे हैं कि अभी बहुत चिकचिक धूप है। गाइस ऐसे धूप में यहाँ पे कौन ग्राउंड में बैठेगा, यहाँ पे समझिए कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारा सर दर्द करने लग रहा है। तो गाइस जब 4 बजेगा तो यहाँ पे पूरा छाया का मौसम हो जाता है, तो हमारे सब कुत्ते खेलने लगते हैं, हम लोग भी बैठ जाते हैं और हमारे सब कुत्ते खेलने लगते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यही था, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।